बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य की समीक्षा बैठक प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंत्री अनिल राजभर ने निर्देश दिया कि तटबंधों पर निरंतर पेट्रोलिंग की जाए, क्योंकि पेट्रोलिंग से समस्याओं की जानकारी होगी और उसका निस्तारण होगा। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तरीय समिति से लगातार समन्वय बनाए रखा जाए, यदि समय से सूचनाएं प्राप्त हो जाए तो समस्याएं नहीं आएंगी। बैठक में मंत्री अनिल राजभर ने बाढ़ प्रभावित गांवों में पशुओं का 100% टीकाकरण, चारा भूसा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को देते हुए कहा कि किसानों के बीच जाकर पशुओं का टीकाकरण बढ़े पैमाने पर कराया जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था करने के साथ ही कंट्रोल रूम को निरंतर क्रियाशील रखा जाए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सिंचाई टी वेंकटेश ने बाढ़ से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस दौरान अधिकारी अवकाश पर ना जाएं और अपरिहार्य परिस्थितियों में उच्च अधिकारी के बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सिंचाई विभाग के अभियंताओं को निर्देशित किया कि वे निरंतर बंधों का निरीक्षण करें और रेनकट, रेड होल आदि दिखे तो उसे तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया कि बाढ़ कोरोना वायरस रोकथाम हेतु स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम पूरी तरह क्रियाशील है। जनपद में कुल 112 गांव बाढ़ प्रभावित हैं, जिसमें 45 गांव मैरुंड हैं। जनपद में 86 बाढ़ चौकियां स्थापित हैं। प्रत्येक बाढ़ चौकी पर राजस्व, सिंचाई एवं पुलिस विभाग के प्रतिनिधि तैनात हैं। कुल 397 नावों की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 66 बंधों जिनकी कुल लंबाई 460 किलोमीटर है, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम एवं सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम बनाकर समस्त बंधों एवं रेगुलेटरों का निरीक्षण कराकर उसकी मरम्मत हेतु सिंचाई विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील स्थल चिन्हित कर लिए गए हैं। सिंचाई, राजस्व, पुलिस विभाग, स्वयंसेवी संगठन तथा जन समुदाय के सहयोग से बंधों पर निगरानी रखी जा रही है। बैठक में राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग बलदेव सिंह ओलक, सदर सांसद रवि किशन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित विभिन्न विभागों से के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ठीक है, प्रेजेंटेशन हो जाए तो इसलिए सर एक दिन में मैं करूँ। हाँ, मैं पत्रकार साथियों को बताता हूँ, थोड़ी मीटिंग के बाद आपसे वार्तालाप हो जाएगा। हाँ, याद रखिए मंत्री जी से अनुरोध चाहता हूँ ये मीटिंग कुछ लिए आए हुए सभी अधिकारी सभी स्वागत करता हूँ। सर गोरखपुर में मोटा मोटा में गोरखपुर में 6 प्रमुख नदियाँ हैं और 6 प्रमुख नदियों में सैकड़ों का बरसात लगातार जैसे है और भी उन्हें तो हम लोग उसमें शहरी इलाका में हमें पंप करना पड़ता है। पंप करके डालते हैं यह करीब 400-700 किलोमीटर के ऊपर का बंदे बसा हुआ है, बचा हुआ। उसके अलावा सर यहाँ शहर का और ग्रामीण का अलग अलग हम रणनीति बनाते हैं, क्योंकि शहर का 2-3 बंदे बहुत इंपॉर्टेंट बंदे होते हैं, ग्रामीण के बाद में 2-3 बार में उसी में सर थोड़ा पानी जमा हो जाता है और पंप करके हम लोग नदी पे डालते हैं। फिर ये नदी हुई है इस तरह के